नमस्कार दोस्तों, केकेआर ने तोड़ा हार का सिलसिला। पंजाब किंग्स को 5 विकेट से रौंदा। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने केकेआर के पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर ने 124 रनों के लक्ष्य को 16.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए। केकेआर ने 124 रनों के लक्ष्य को 16.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केकेआर को ये जीत लगातार 4 मैचों में हार के बाद मिली। अंक तालिका में केकेआर 5वें स्थान और पंजाब 6ठे स्थान पर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 17 रन दिए, 3 विकेट गंवा दिए। नीतीश राणा 0, शुभमन गिल 9 और सुनील नारायण 0 पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान योन मॉर्गन ने 47 और राहुल त्रिपाठी ने 41 रन, 4थे विकेट के लिए 66 रन जोड़कर टीम को संभाला। राहुल को दीपक हुड्डा ने आउट किया। 83 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद उतरे आंद्रे रसेल ने 10 रन बनाए और पारी नहीं खेल सके। उन्हें अर्शदीप ने सीधे थ्रो पर रन आउट कर दिया। मॉर्गन के साथ दिनेश कार्तिक 12 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब किंग्स की ओर से मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हेनरिक्स को भी 1-1 विकेट मिले। इससे पहले केकेआर के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। पंजाब ने 9 विकेट पर 123 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए। क्रिस जार्डन ने 18 पर 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 30 रन बनाए थी कारण टीम 120 से अधिक का स्कोर बनाने में सफल रही। कप्तान के राहुल ने 20 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए जबकि निकोलस पोरट ने 19 रन पर 1 चौका और 1 छक्के की बदौलत 19 रन बनाए। केकेआर के युवा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट झटके जबकि पैट कमिंग्स और सुनील नारायण को 2-2 विकेट मिले। शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती ने भी 1-1 विकेट लिए। दोस्तों, मिलेंगे कल के पूरे हाईलाइट मैच के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।